अस्सलामुअलैकुम। ये बहरिया में यासिन साहब के सिस्टम शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पहले लगा हुआ था ऑफ ग्रिड 5 किलोवाट, ये रिमूव कर दिया हमने, सारा स्ट्रक्चर पे शिफ्ट किया है। स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ, ये ऑन हो गया, ये हमने इसको लगा दिया पूरे को, ये लगा हुआ है, चेक करें आप। ये स्ट्रक्चर है इसका, हाइट इसकी तकरीबन 18 फुट पर चली गई है। 18 फुट की हाइट पे ये हमने गार्डर इस्तेमाल किए हैं, ये गार्डर लगे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर का लेवल आप चेक करें, इसकी फिनिशिंग चेक करें, और ये तार कोई डकिंग के बगैर नहीं है, और तार भी आपको कोई नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। इस तरफ से भी इसकी ये फिनिशिंग देखें इसकी, सारी ये डकिंग हुई हुई है, ठीक है। ये हमने कॉलम भर दिए हैं इसके, देखें ये चिप्स लगा के भरे हैं, ये कॉलम खड़े हुए हैं, ये पर्दी के साथ भी लगाया कॉलम हमने, इसको सपोर्ट दिए ये, ठीक है, और सामने ममटी के साथ भी सपोर्ट दिए। हवा बहुत तेज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ भी मैंने एक सपोर्ट दी है, ये सारी सपोर्टें लगी हुई हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी सपोर्टें लगी हुई हैं। बीच में भी कॉलम है और बीच में भी गार्डर है, ये देखें दोनों तरफ मैंने इसको कॉलम दे के सपोर्ट दे दी, ये सारी सपोर्टें लगी हुई हैं इसकी, ठीक है। ये चेक करें आप, सारी मैनेजमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी रही इसकी, और नीचे से बिल्कुल स्पेस है, चल फिर सकते हैं आप। नीचे से सारा उठा के मैंने ऊपर स्ट्रक्चर पे ले गया हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, 3 प्लेट्स हमारी बच गई थी, वो मैंने उधर स्ट्रक्चर को ख़राब करना मुनासिब नहीं समझा, वो 3 प्लेट मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, ये 3 प्लेट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं जो पुरानी वाली थी, ठीक है। इसको भी मैंने मजबूत किया है, ये देखें पूरी मजबूती इसकी चेक करें आप, और डक्टिंग ये हुई हुई है, कोई तार आपको बाहर नज़र नहीं आएगी इसकी, ठीक है। यहाँ भी मैंने गार्डर लगा के इसको पूरी सपोर्ट दे दी है ममटी के साथ, ये देखें साइड में भी है और नीचे भी कॉलम खड़ा हुआ है। बाकी पुरानी प्लेटें कुछ ऊपर भी लगी हुई हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी है इस वजह से कि यहाँ पे ममटी के ऊपर भी चढ़ना पड़ता बंदे को, तो ये पूरी इधर से सपोर्ट आ गई ना, ये पूरी स्पेस मैंने इधर से दी है आपको, ये देखें ममटी के ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं, और इधर का जो पानी की टैंकी है वो भी ओपन छोड़ दिया ताकि उधर का भी काम हो सके। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप देखें, मेरे हिसाब से तो मैंने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा लेवल में काम किया है, बाकी आप देखने वालों के ऊपर है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं। देखें कोई तार आपको कहीं नंगी नज़र नहीं आएगी इसकी ना, ओपन तार नहीं है कहीं भी। ग्रो वार्ड का सिस्टम है ये चल रहा है, ग्रो वार्ड का सिस्टम। मैंने इसमें 0 एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई है ताकि ये जब तक मीटर नहीं लगता हमारा ये चलता रहे, ठीक है। ये चल रहा है अभी, ये इसके ब्रेकर पैनल है, ये डिवाइस लगी हुई है इसमें चल रही है, तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया है ताकि ये जब तक इसका मीटर नहीं लगता रिवर्सेबल नेपरा का, तो जब तक ये अपने घर का लोड चला सकते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें माशाल्लाह